अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं जी। मैं मोहम्मद शाहद, उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे जी, शादाब रखे, आसानियाँ पैदा फरमाए। कुर्बानी 2023 बुकिंग जारी है माशाल्लाह। जानवरों की ख़रीदारी का तरीकाकार आपको बता दूँ, छोटी सी वीडियो बनाई है, एंड तक वाच भी कर दें और लाइक भी कर दें। अज़ीज़ कैटल फार्म पंजाब के अंदर बहावलपुर ज़िला है हमारा, और तहसील है हमारी हासलपुर। तहसील हमारी हासलपुर है। जानवर पूरे पाकिस्तान से हमें आ रहे हैं, जैसे ये देखे हैं आपने, पिछले साल भी देखा बुकिंग थी माशाल्लाह, और ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान, बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो माशाल्लाह बाहर बैठे हैं उनके भी बड़े रेफरेंस से हमारे पास माल आया है। आपको ये सारा फॉर्म चेक करवाता हूँ, भरा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह 23 के माशाल्लाह जानवर हमारे पास काफ़ी सारे आ गए। ये चेक करते जाएँ, एक बड़ी तादाद में जानवर हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 में तैयार किया है माल। ये तो डिलीवर हो जाएगा, 2023 के जो अब आ रहे हैं ये हमारे पास रहेंगे इंशाल्लाह साल सारा। पलाई का तरीकाकार ये है कि जितने दिन जानवर हमारे पास स्टे करेगा, एक महीना स्टे करता है, एक महीने के पैसे लेते हैं, 18 दिन, 10 दिन, 2 दिन, साल, 11 महीने, जितना भी टाइम जानवर एनी वे स्टे करे हमारे पास, हम लोग उतने ही चार्जेस वसूल करते हैं। हमारा कोई मंथली हिसाब नहीं है। 31 का महीना होता है, 31 के पैसे लेते हैं, 29 का महीना होता है, 29 दिनों के पैसे लेते हैं। जानवर फार्म पर डिलीवर करने का तरीकाकार ये है कि तीन तरीके हैं जानवर हमारे फार्म पर डिलीवर करने के। सबसे बेस्ट मंडी आएँ, हमें भी बुला लें, जिस मंडी में कहेंगे पंजाब के अंदर हम चले जाएंगे, आपकी इंशाल्लाह हेल्प भी करेंगे, अच्छे से अच्छा जानवर भी ढूंढेंगे, जानवर ख़रीदेंगे भी, और वहाँ से ले भी आएंगे पंजाब अपने फॉर्म पे, और साथ आप हमारा फॉर्म भी विज़िट कर सकते हैं और हमारा घर भी, हमसे मुलाकात कर सकते हैं, टेंशन नहीं है। दूसरा तरीका है, अच्छा तरीका जो मैं पहले नंबर पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सबसे अच्छा तरीका आपके आने का है। दूसरा जो अच्छा तरीका वो ये है कि आप हमें अपना एक स्केच दे दें, ये जानवर खड़ा है इस तरह का बता दें, अबलक चाहिए आपको, ये खड़ा है, आप अबलक का स्केच दे दें कि तारिक भाई, शायद भाई, इस तरह का माल हमने लेना है। पेमेंट दे दें, जो भी जानवर जिस रेंज पे हमें, यानी कि जिस रेट पे मिलेगा, उसमें हमारा कोई यानी कि प्रॉफिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम जानवर को वहाँ से ला के फार्म तक जो भी एक्सपेंस आते हैं वो हमारे हैं, वो हमने आपसे चार्ज करने हैं, हमारे फार्म के अंदर आ गया, बाकी पैसे आपके हैं। तीसरा तरीका है ऑनलाइन माल का, ऑनलाइन माल भी हमारे पास आ रहा है, यूट्यूब पे बहुत सारा माल बिक रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो माल बेच रहे हैं। अच्छे बंदे से ले माल, फ्राड से भी बचें, फ्राड भी हो रहा है, ये नहीं है कि फ्राड नहीं हो रहा, मेरे पे अतमाद ज़्यादा करें, बाद में पता चलेगा कि 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, फ़ोन नहीं उठा रहा बंदा, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। फ्राड भी हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छे काम बंदे भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर काम कर रहे हैं जिनको आप प्रॉपर जानते भी हैं माशाल्लाह, और वो माल उनके रेफरेंस से हमारे फार्म पर आ भी रहा है, हम खुद भी बेचते हैं इंशाल्लाह, हम खुद भी आगे जाके सेल आउट करेंगे जानवर। ये थोड़ा सा निकलेगा माल तो इंशाल्लाह जगह बनती जाएगी, फिर हम हमारे जानवर आते जाएंगे। वैसे ही माशाल्लाह माल हमारी कंपेन के बगैर भी बड़ा आ रहा है हमारे पास। तो ये तीन तरीके हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, पहला आपके आने का है, दूसरा तरीका आप हमें पेमेंट दे दें, तीसरा तरीका जो है ऑनलाइन का है। सबसे पहले नंबर वाला ऑप्शन अच्छा है, उसके बाद दूसरे वाला ऑप्शन भी अच्छा है, और तीसरा जो है वो मजबूरी है, जो जो दोस्त ओवरसीज़ बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, वो फिर जारी बात है कि मुश्किल हो जाता है, या कराची से यहाँ पर आना भी मुश्किल है, पिशावर से आना भी मुश्किल है, तो उनकी भी है मजबूरियाँ, ये समझ में आती है। तो पलाई का हम लोग ले रहे हैं 13,500 रुपया अगले साल से। अगर जानवर आपका बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि यार उसको वड्डा थोड़ा ज़्यादा करवाएँ, वो एंड पे जाके होता है, जैसे हमने स्पेशल प्रोटोकॉल पर जानवर की एंड पे आके वो चीज़ होती है, सारा साल के लिए नहीं होता। और दूसरा जो है, अल्लाह आपका भला करे, आम सारा साल जो हमारी 13,500 रुपये अप्लाई चलेगी इंशाल्लाह, 13,500 रुपये फॉर्म के अंदर टोटल खर्चे हमारे हैं, जानवर को पालना, तैयार करना, मेडिसिन, खुराक, हर चीज़ हमारी है। और उसके बाद जो है आपकी कार्गो का खर्चा है वो आपने पे करना है, वो 3,000 लगे, 5 लगे, 4 लगे, जो भी लगेगा वक्त के हिसाब से होता है ये तो। और जानवर पालने का काम है, आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं माशाल्लाह, अभी मैं आपको एक तायराना नज़र चेक करवाऊंगा, क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ी लंबी बन गई है, ऊपर से खड़ा होकर थोड़ा सा जानवर व्यू चेक करवाता हूं, आप चेक करें। और बाकी पलाई के लिए नंबर तारिक भाई का स्क्रीन के ऊपर है, मज़ीद गपशप आप उनके साथ करें। ये जी देखें माशाल्लाह, ये वंडा जिनको एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं, ये हर जानवर के आगे ये तुल के जा रहा है। तुल के मतलब ये है कि कंडा पहले होता है, कंडा होने के बाद ये बम्बू जो है ये भी अर्शद भाई ने मिना हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद अब ये चेक करते जाएं माशाल्लाह, ये सारा दोस्तों का माल है, पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर शामिल हैं, हिस्सेदार हैं, और ये फार्म उनका है, उनकी मोहब्बतों से ये चल रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी आपकी दुआओं से ये चलेगा।
اللہ پاک نے اگر چاہا تو. یہ ساری امانتیں ہیں ہمارے پاس اس وقت جو کھڑی ہیں. یہ میں آپ کو اونچی جگہ سے چیک کروا رہا ہوں مال, یہ آپ دیکھتے جائیں. اے ون ماشاء اللہ گروتھ ہے جانوروں کی, ہمارے فارم کے بڑے شاندار رزلٹ آ رہے ہیں. اب ویٹ کیا ہے ہم نے دو تین دن پہلے اور اپنے سارے ممبرس کو لسٹیں شیئر کی ہیں ویٹ کی, ایک سے بڑھ کر ایک ماشاء اللہ جانوروں کی گروتھ آئی ہے الحمدللہ. اور یہ سب اللہ پاک کا فضل ہے, باقی محنت ہے عزیز کیٹل فارم کی اور ان کی ٹیم کی. یہ آپ دیکھتے جائیں ماشاء اللہ. 13,500 روپے اگلے سال انشاءاللہ لیں گے ہم, یعنی کہ جو 2023 کا سیشن چلے گا. ابھی فی الحال ہم لوگ پچھلا سال جو ہمارا تھا وہ 12,000 روپے میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. آگے جا کے پھر ہزار ہی بات ہے کہ مہنگا بڑا ہو رہا ہے کام. توڑی کا ریٹ ابھی سے 450 ہوا پڑا ہے, گندم جو ہے ابھی سے چل رہی ہے 2200 پہ, اور آگے جا کے اس کے خرچے بڑے ہو جائیں گے. مکئی بڑی مہنگی ہوئی پڑی ہے, مکئی کا پچھلے سال 1300 ریٹ تھا, 1200-1300 روپیہ, اس سال اس وقت 1800-1900 روپیہ ریٹ چل رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ مجبوری بن گئی ہے. اس میں ہم نے اپنا پروفٹ نہیں بڑھایا, ہم نے کچھ بھی نہیں بڑھایا, یہ صرف خرچے ہیں جو ہم یعنی کہ جو ہمارے کھاتے میں پڑ رہے ہیں ایکسٹرا, جن کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. وہ خرچے ہم آپ سے تھوڑی سی محبت آپ کی حاصل کریں گے, کوئی زیادہ نہیں ہے. تو باقی مزید نمبر طارق بھائی کا اسکرین کے اوپر ہے. کسی بھی قسم کی پلائی کے حوالے سے معلومات لینی ہو, بچھڑوں کے بارے میں آپ کے بھائی بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر, آپ بے شک ہمیں وزٹ کریں, بے شک موبائل پہ آن لائن کام کریں, انشاءاللہ آپ کی مانتے ہیں. عید کے دن اب جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے انشاءاللہ ان کی ڈیلیوریاں شروع ہو جائیں گی, اور آپ کے گھروں کے قریب ترین لوکیشن پہ انشاءاللہ یہ مال جائے گا. اللہ پاک خیر خیریت رکھے. باقی ویڈیو اچھی لگے لائک بھی کیا کریں, کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر لازمی کریں.